रानी उपखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आज पंचायत समिति सभागार में विधायक खुशी सिंह द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक में उपखंड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक ने रानी और क्षेत्र में पेयजल के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह द्वारा पेयजल एवं पशुओं के सारा पानी के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विधायक द्वारा भविष्य में जवी बांध में जल भराव होने पर प्रथम वरीयता आमजन के पीने के लिए 1.5 साल का पानी रिजर्व करवाने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे ताकि गर्मी के मौसम में मानव की प्यास बुझाने के लिए काम आ सके। उन्होंने PWD अधिकारियों को सड़क बनाने में पत्थर की पॉलिश गिट्टी काम में नहीं लेकर रफ गिट्टी काम के लिए जाने के निर्देश दिए गए। रानी प्रताप बाजार में पुराने जनाना अस्पताल भवन में आयुष अस्पताल प्रारंभ किए जाने के लिए विधायक ने आयुष के उच्च अधिकारियों से बात कर अस्पताल को अविलंब चालू करने की बात कही। बैठक में विधायक खुशी सिंह, उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, तहसीलदार सुनीता सारन, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन गिदड़ सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी हीरालाल, सहायक विकास अधिकारी भवरलाल, अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद, सहायक अभियंता विद्युत विभाग विक्रम सिंह, जलदाय भूपेंद्र गुसिंगा, PWD रितेश कुमार गौड़, कनिष्ठ अभियंता जलदाय पवन कुमार, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र जैन, पार्षद कपूराराम प्रजापत, बाबूलाल जांगिड एवं जनप्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित रहकर अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं से विधायक खुशी सिंह को अवगत करवाया। ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हुए रानी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सालय में जाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरकारी हॉस्पिटल सहित सभी निजी हॉस्पिटल में नर्स और कंपाउंडर का सोनू बहन ने स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सोनू बहन ने कहा कि नर्सिंग एक महान प्रोफेशन है, इस कार्य को करने के लिए दिल से करुणा और प्रेम के भाव चाहिए। उन्होंने फ्लोरेंस नाइटेंगल को याद करते हुए कहा कि कोरोना में जब अपने भी साथ नहीं रह पाए तो तभी नर्सिंग स्टाफ ही रोगी को संभाला, अगर ये न होते तो मेडिकल इंडस्ट्री शर्मा जाती। डॉक्टर इतना समय रोगी को नहीं दे सकते पर नर्सिंग स्टाफ जब प्यार से रोगी को संभालते हैं तब आधा दर्द तो मरीजों का यूं ही ठीक हो जाता है। इस अवसर पर CSC प्रभारी डॉक्टर ML मेहता ने भी कहा है कि नर्सिंग स्टाफ आज की जरूरत है, नर्स के अधिकारों की शिक्षा करना ताकि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, अच्छे नर्सों को तैयार कर नर्सों की मानसिक स्थिति ठीक रहे, वह तनाव में ना आवे, इसके लिए मेडिसिन राज्यों का अभ्यास करें। इस अवसर पर मेयर नर्स मोहनलाल सोनल ने बहुत ही सुंदर नर्स सेवाओं को दर्शाते हुए एक कविता पेश की। फ्लोरेंस नाइटेगल की तस्वीरों को फूल चढ़ा के सभी ने अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की गई। इस अवसर पर सोनू बहन ने नर्सिंग स्टाफ को राज योगा मेडिटेशन करने का आह्वान किया ताकि मन का तनाव कम कर सके, दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव के साथ हो, कार्य के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहे और अपने जॉब के प्रति समर्पण दया भाव से कार्य करें। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में वार्ड संख्या 6 से भाजपा के लाभूराम देवासी की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर रानी पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन गिदार सिंह मेड़तिया, पंचायत समिति सदस्य हनुमान सिंह राजपुरोहित, तेजाराम चौधरी, सालरिया सरपंच फतेह सिंह कुंपावत, रानीकला ग्राम पंचायत उप सरपंच नरेश आगरी, सत्रपाल सिंह वरकाणा, कालू सिंह सहित दर्जनों लोगों ने माला मसाफा पहनाकर स्वागत कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित समिति सदस्य लाभूराम देवासी ने कहा कि ये जीत सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं के तन मन धन से सहयोग से जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि वार्ड में सभी के सहयोग से विकास कार्य करेंगे जिससे आमजन को लाभ अधिक से अधिक मिल सके। रानी पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में जारी किए जा रहे पट्टों और राजकीय कार्य के लिए ग्राम पंचायत में भूमि की अनुल उपलब्धता के संबंध में भारतीय सर्वेक्षण टीम द्वारा ड्रोन सर्वे के जरिए आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र तैयार कर ग्राम पंचायत को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस कार्य की शुरुआत स्वामित्व योजना के तहत पंचायत समिति रानी की ग्राम पंचायत इटना चांडलान के भगवानपुरा में टीम द्वारा सर्वे किया गया। इसके बाद आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र तैयार कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जाएगा। सरपंच स्वाति देवी ने बताया कि आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्र का कार्य पूरा होने पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1997 के प्रावधान के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा दिया जाएगा। डिजिटल पट्टे जारी हो गए जिससे पट्टों के स्वामित्व में की जाई जानकारी हो सकेगी। आबादी भूमि में पड़ी खाली जमीन की वास्तविक रिपोर्ट की भी जानकारी होगी।
रिक्त पड़ी भूमि पर सरकारी योजना अन्य ग्राम पंचायतों के उपयोगी कार्य किए जा सकेंगे। इस मौके पर पटवारी कल्पना अरोड़ा, आरई दलाराम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल मीणा सहित सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल लुहार सहित गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे और टीम का सहयोग किया।